रैली का आयोजन 15 अगस्त के उपलक्ष्य में है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। 75 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली निकल रही है। जम्मू कश्मीर का युवा पुरजोश तरीके से इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। हज़ारों लाखों की तादाद में इस इवेंट को मनाने के लिए, इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए या जम्मू कश्मीर का युवा बिल्कुल रेडी है। और इस उसका उदाहरण आज की रैला शिकारे पे रैली है, उसका आज का ये जो सबूत है यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा की तो बात कही है और लोगों ने उस पर अमल भी किया है, क्योंकि देश का वासी अपने तिरंगे से बहुत प्यार करता है, अपने इस तिरंगे के लिए अपनी जान को निछावर करने को तैयार रहता है। हर संस्था ये चाहती है कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छी चीज़ जो है लोगों के बीच में जाए। तो ये जम्मू कश्मीर के युवाओं की एक डिमांड थी कि यहाँ तिरंगा रैली हम करें, 1 अगस्त से इसको सेलिब्रेट के तौर पर करें। तो ये हमने यहाँ से शुरुआत तो यहाँ से ही है, डल झील से, श्रीनगर मेन डल झील से, यहाँ से संतूर और संतूर। देखिए, तिरंगा की इज्जत जितना पूरे देश के 140 करोड़ लोग करते हैं, उतना ही कश्मीरी तिरंगे की इज्जत करता है। यही मैसेज हमने यहाँ से, एक पीसफुल मैसेज, प्यार मोहब्बत की मैसेज, जहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जहाँ प्रधानमंत्री जी हर वक्त कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं 140 करोड़ लोगों के लिए करते हैं, पूरे देश के लिए करते हैं। अब खुलकर कश्मीर के लोग प्यार से, दिल से तिरंगे की इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं हर घर तिरंगा, उसी तरीके से हम लोगों ने आज सल्यूट तिरंगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भाई है, और ये प्रोग्राम के माध्यम से यही मैसेज है पूरे देश के लिए कि कश्मीर और बाहर में कोई फर्क नहीं है। जहाँ तिरंगे की बात आती है, जहाँ तिरंगे का नाम आता है, वहाँ हम लोग का सल्यूट तिरंगा सामने आ जाता है और हम सल्यूट करते हैं। देखिए, सल्यूट तिरंगा संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है जो तिरंगे के लिए कार्य करती है, तिरंगा यात्रा के लिए कार्य करती है, शांति अमन चैन के लिए कार्य करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, सभी को लेकर एक पैगाम लेके हम लोग आए हुए हैं। शांति का पैगाम, अमन का पैगाम, चैन का पैगाम और प्रगति और विकास का। हम युवाओं को आह्वान करने आए हैं, महिलाओं को आह्वान करने आए हैं, जम्मू कश्मीर के सभी जनता को आह्वान करने आए हैं कि आइए मिलकर हम लोग मुख्य धारा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा करते हैं। और उसका प्रारंभिक हम लोग 1 अगस्त को निर्धारित किया था सल्यूट तिरंगा संगठन ने कि डल लेक से हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। लेकिन बात बिल्कुल साफ है, हम लोग सब मिलकर देश के प्रगति में, जिस तरह प्रधानमंत्री जी का इच्छा है कि देश को हम विश्वगुरु बनाएं, तो उसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को एक साथ आना होगा। और इसी क्रम में हम लोग जम्मू कश्मीर से ये यात्रा प्रारंभ किए हैं और पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम है और विदेशों में भी कई स्थानों पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बहुत सारी खूबसूरती